God. Yeah. 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 Nice swim. Nice swim. Ready guys? Guys, firstly congratulations. Thank you. काफी अच्छा promo है. Good to see you after 14 years. Tell us something about the response from the people. Promo में किस तरह का response आया है? बताएं. बताएं. आप सबसे ज़्यादा आप बोलें. अरे काफी positive रहा है and I think we are receiving a lot of love. People are quite excited to see the show. And we are really happy and overwhelmed to know that. Yeah. And we are equally excited to show you guys कि हम चार महीने से क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं. So keeping our fingers crossed. And I think the similarly बहुत अच्छा response आया है. And I think when you make something with love, उसका end result अच्छा ही होता है. We hope all the hard work that we've put in आपको पसंद आए. आपको अलग लगे और आपको रियलाइज़ हो कि हम जो बोल रहे हैं कि हाँ यार मतलब कुछ अच्छा सा बनाया है, अलग सा बनाया है, बहुत रियल स्पेस में बनाया है. अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा आप किसी को जानते हैं जो ऐसा है या आप खुद ऐसे हैं. होपफुली विराट जैसे बहुत लोग ना हों बट होंगे. बट बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया है. एंड बस अभी मैं क्या बोलूँ, अभी ऑलरेडी यू नो रीम एंड वाई सब कुछ बोल चुका है. बट रिस्पॉन्स वॉज रियली 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 ग्रेट. सो थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप लोगों ने इतने प्यार से प्रोमो को देखा और उस पर रिस्पॉन्ड किया. सो रियली रियली थैंकफुल फॉर दैट. एंड वी जस्ट होप एंड प्रे कि यू नो हमारा शो भी आप ऐसे ही देखें जैसे आपने प्रोमो देखा है और प्रोमो को प्यार दिया है. अभी तो आपने क्या बोलते हैं उसको, ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है. तो अगर कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा बताएं हमको कि कितना प्रिपरेशन किया है किरदार को लेके और थोड़ा सा अगर बात करें. प्रेप इतना ज़्यादा मैं मतलब पर्सनली आई थिंक हम तीनों ने ऑब्वियसली उस पर हम बैठे थे. हमने स्क्रिप्ट रीडिंग्स करी थी, वर्कशॉप्स किए थे. हमें स्क्रिप्ट्स, द गुड थिंग इज़ यूजली जब आप टेलीविजन करते हैं तो स्क्रिप्ट्स हर रोज़ आपके पास आती हैं. इधर एटलीस्ट हमें बहुत यू नो एडवांस में पूरी स्क्रिप्ट्स आ जाती हैं ताकि हम सब अपनी अपनी तरह से स्टोरी पढ़ पाएँ, समझ पाएँ कि हम सिर्फ हम क्या नहीं कर रहे हैं, बाकी सब लोग भी क्या कर रहे हैं शो में. प्रेप आई थिंक ऑन द गो ही होता है इवेंचुअली, क्योंकि एक टाइमलाइन भी है, एक टाइमलाइन के अंदर काम भी करना है. एंड आई थिंक एज वी आर वर्किंग वी आर इवॉल्विंग ऑल्सो ऑन द शो. एंड इट्स जस्ट अ फन राइड यार टिल नाउ. क्योंकि हमारे जितने भी प्रैंक्स थे ना सारे हो गए खत्म. और आजकल लोग प्रैंक करने से पहले सोचते हैं कि वायरल होगा नहीं होगा. बहुत बदलाव आया है. मतलब आप बात कर रहे हो कितने साल, 20 साल, 22 साल, 22 साल पहले की बात कर रहे हो आप. तो 22 साल में तो काफ़ी बदलाव आया है हम में भी और ऑडियंस में भी और कंटेंट में भी. और जैसे कि हम पहले भी कहते आ रहे हैं कि ये बदलाव जो एवोल्यूशन है वो कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट विल ओनली हेल्प अस टू गेट बेटर एंड बेटर एट आर क्राफ्ट एट यू नो एवरीथिंग. सो बदलाव तो काफ़ी है और ये बदलाव चलते रहना चाहिए. आई थिंक वो क्या होता है ना, जब आप एक जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते रहते हो, पढ़ने लगते हो तो वो, और फिर जब आप उनका यूनिफॉर्म पहनते हैं एंड यू नो यू गेट इन टू द कैरेक्टर, इट ऑटोमेटिकली काइंड ऑफ कम्स टू यू. लाइक फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, आई डोंट नो विच शो बट सम शो आई हैड डन, ओ नो ऑफकोर्स इट वॉज बेहद ओनली, वेर आई वॉज प्लेइंग अ प्रेगनेंट वुमन फॉर सम टाइम. ठीक है, तो जब आप वो लगाते हो ना तो आप ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट वॉकिंग लाइक दिस एंड यू नो यू स्टार्ट सिटिंग इन अ सर्टेन वे. एंड एज एक्टर्स हमारा वो जॉब होता है कि उस
जो भी हम किरदार प्ले कर रहे हैं उसको पूरी तरह से कोशिश एटलीस्ट करें कि उसको पूरी तरह से हम इम्बाइब करें, तो एक अच्छा लगता है कि ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करने मिलते हैं जहाँ पर आप भी कुछ नया सीखते हैं. एंड ऑब्वियसली वंस एनी यूनिफॉर्म, व्हेन यू वेयर अ यूनिफॉर्म, योर बॉडी लैंग्वेज चेंजेस, योर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज अप. एंड बिकॉज काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको देख कर इंस्पायर होते हैं, तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और हम कोशिश करते हैं कि जितना हमसे हो सके उतना हम उससे रियल रखें, उसे इंस्पायरिंग रखें, तो यही कोशिश है. आपसे जानना चाहेंगे यूनिफॉर्म से रिलेटेड, आपको एक क्वेश्चन सोशल मीडिया पे पूछा गया था, लॉयर इतनी सेक्सी कैसे हो सकते ब्लैक एंड व्हाइट में? मैंने डाला था मीम उसमें कि लॉयर काले कपड़े पहनते हैं तो वो ज़्यादा गर्मी ज़्यादा सोखते ही है तो इसलिए हॉट होते हैं, बट वो मीम था. बट आई थिंक यार मैं जानता हूँ कई लॉयर्स को. एक तो लॉयर्स का ना मैंने एक और इंटरव्यू में कहा था कि क्योंकि हमने लॉयर्स को यूजली हिंदी फिल्मों में देखा है और लॉयर बेस्ड फिल्म्स बहुत कम बनी हैं, अगर बनी भी हैं तो हमने यूजली हमें लगता है कि लॉयर्स तो एक सर्टन काइंड ही होते हैं. मुझे भी ऐसा लगता था जब तक मैं एक दो फ्रेंड्स हैं मेरे जो लॉयर्स हैं और वो यंग हैं, वो मतलब बड़े ही हैपनिंग हैं, आप उन्हें अगर कभी उनकी यूनिफॉर्म के बिना देखो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो लॉयर्स हैं. सो आई फील लाइक शी सेड इट्स एन एडेड यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट इवेंचुअली एक्टर्स का काम ही वो है, हम जितनी कोशिश कर सकते हैं. मेरा मानना ये है कि इवेंचुअली एक कैरेक्टर प्ले करते हैं और कैरेक्टर कौन है, कैरेक्टर तो एक इंसान ही है ना, इंसान है, एक फिक्शनल इंसान है, उसको मैं जितना जो बना दूंगा और आपको कन्विंस कर दूंगा बस वही मेरा काम है. अगर मैंने कन्विंस नहीं किया तो मैं अगली बार फिर से कोशिश करूँगा, अगर कर दिया तो फिर लॉयर हो या इंस्पेक्टर हो या कुछ भी हो वो इवेंचुअली मतलब मुन्ना भाई भी डॉक्टर हैं और वैसे भी अलग डॉक्टर्स हैं, तो आई थिंक इट्स जस्ट दैट आई फील. रिम आपसे जानना चाहेंगे, रिम आप ओटीटी को कितना एंजॉय कर रही हो और करण और जेनिफर ऑलरेडी काम कर चुके हैं ओटीटी में, yes. तो थोड़ा सा बताइए एक्सपीरियंस के बारे में ओटीटी के. वेल It's a different experience. I'm having fun. We are a little bit more on the realistic zone, I can say. And वो जो एक liberty शायद हमें टी वी में नहीं मिलती है to improvise or to you know do scenes a certain way, वो यहाँ हमें मिल रही है. हमें as he said हमें scripts beforehand मिल रही है, हम prep थोड़ा better कर पा रहे हैं, हम you know we are able to you know function a little better. And the happiest thing is that you know हमें एक वो freedom मिल रही है as an actor कि हम अपनी थोड़ी चीज़ें add कर सके and you know हम अपनी lines add कर सके, हम अपनी lines और realistic ठीक कैसे बोल सके, because writing plays a major part whenever you do a show. Writing plays a very very big part. So that is something that I'm really happy about. And talking about the two of them, everybody knows I've loved her when I was a little kid, and it was my dream to work with her. I was also a little kid only that time. She is still a kid. Yeah, I mean like I was little, yes, and she was like yes, a teenager. Yes. So it's like my dream has come true, and I learn so much from her every day. And I mean, like, yeah, I have different emotions for her, and I just, like, you know, I just start fangirling around her all the time. And Karan, I can just... You love me so much that you've shifted in my building. Yeah, oh my God. Yes, of course. She stands you. Yes. And I can say that he's my favorite Karan that I've worked with. Aww. Me too. Without the hashtag. Oh, yeah. Just like Jennifer, you also started a pop squad. वेल काफ़ी कुछ तो बदला है, एंड एज शी सेड बदलते रहना चाहिए. आई जस्ट फील दैट यू नो मुझे जेन्युइनली लगता है कि केओस जो एक सेट पे होता है वो बढ़ गया है अभी, है ना. केओस जो सेट पे होता है, टेलीविजन सेट पे जो केओस होता है वो बढ़ गया है ओवर द टाइम्स. मुझे लग रहा था कि यू नो थोड़ा बेटर हो जाएगा, केओस थोड़ा बढ़ता जा रहा है, बट दैट्स ऑल्सो फन इन अ वे एक्चुअली, बिकॉज एज आई सेड के बींग टी वी एक्टर्स आई नो बींग वेरी ऑनेस्ट इतनी हमको बाहर इज्जत नहीं दी जाती है, लाइक वो टी वी एक्टर का टैग लग ही जाता है हमारे साथ. बट आई कैन बिकॉज आई हैव बीन ऑन फिल्म सेट्स, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम दैट इंडस्ट्री. I can very proudly say that के हम जिस तरह हर सिचुएशन में काम करना जानते हैं बिना tantrums दिखाए, I don't think so कोई और medium का actor वो कर सकता है.
And because we come from TV, we can actually, you know, work in any situation. आप हमें last minute script भी लाके देंगे, तो हम तब भी अच्छे से ही perform करके दिखाएंगे. So वो जो हमें फालतू का एक वो जो you know special tag दिया जाता है TV actor, I do take it very sportingly and I'm very proud to be called a TV actor because आप हमारे सामने कोई और actor खड़ा करें, हम उनसे ज़्यादा जल्दी ही काम करके दिखा सकते हैं. जेनिफर, आपसे जानना चाहेंगे, आपने इतने सारे कैरेक्टर्स प्ले किए हो, अब कौन सा ऐसा किरदार बचा है जो आपका यू नो बताएं फ्यूचर में आपको प्ले करना है? आपको पता है जेनी के घर में फोटोएं लगी हुई हैं, वो फिल्मों में होता था ना कि मैंने कौन कौन सा कैरेक्टर प्ले किया है, फोटोएं लगाई हुई हैं. क्या अब बताएं, एस्ट्रोनॉट? हां, दैट्स अ गुड आईडिया. आई वुड लव टू बी एन आउट ऑफ द वर्ल्ड गर्ल. Yeah, out of the world. I would love to do that. Rocket Girls? Rocket Girls. Hey, Sony Liv, you're Rocket Girls right here. Okay. Hey. Last question, Gaga. Last question. जैसे कि आप दोनों को जब नहीं यार, उसका बनेगा नहीं. उसका मतलब आई थिंक वो ना उस जमाने का शो था एंड आई फील वो बहुत ही स्पेशल शो है हमारे लिए. एंड यू नो समटाइम्स आई फील, और ये मेरे साथ ये सवाल मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूँ, इसका जवाब क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे ना दो तीन शोज़ के लिए मेरे बोला जाता है कि वापस क्यों नहीं आता. यू नो सम थिंग्स ना आर लेफ्ट, दे नीड टू बी लेफ्ट अलोन, क्योंकि correct. उसे वापस ला के ना आप उसको और बेटर नहीं कर सकते. करेक्ट, आई एग्री. करंट करंट लास्ट क्वेश्चन जो जेनिफर को पूछा गया था, लाइक व्हिच कैरेक्टर अभी आपके लिए पेंडिंग है जो आपको प्ले करना है इन फ्यूचर? ऐसा कोई मतलब यार आई थिंक हम एज एक्टर्स, मैं तीनों के लिए कहना चाहूंगा, हम कोई ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते कि मैं तो यही प्ले करूंगा. जैसे कभी कभी हमसे पूछा जाता है कोई ऐसी फिल्म या कोई ऐसा शो जो आप करना चाहते या आपको लगता है आप बेटर करते, ऐसा कभी नहीं होता. आई थिंक एक कहानी आती है, वो कहानी कल को मुझे अगर एक लॉयर की कहानी आएगी या किसी और कैरेक्टर की कहानी आएगी तो मैं वो इसलिए बना नहीं कर दूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी प्ले कर चुका हूँ. मैं कहानी चुनता हूँ, किरदार इज़ अ बोनस. आई फील ज़रूरी नहीं है कि मैं तो जी एक किरदार प्ले करना चाहूँगा, बट आई फील अगर मुझे बोलना होता कि अगर मुझे कुछ करना है तो पिन पॉइंट करना होता तो आई वुड लव टू प्ले अ पॉलिटिशियन बिकॉज आई लव पॉलिटिक्स. He does. I love politics. Like I read about it. I actively read about it. And I am very mesmerized by how politicians are. Last question. I shouldn't be saying that I'm overwhelmed. Ask us how he feels, but sitting next to this handsome hunk. But I genuinely, and I think it's not just about the way they look. I think they're just beautiful people. Aww. And I'm not saying it just for the heck of saying it, because I've known Jennifer Adams. I had not known Reem. मैं Reem को जानता नहीं था. मैं Reem को अपने दोस्तों के through जानता था. And I think it's so much fun जब आप normal लोगों के साथ चिल कर सकते हो नॉर्मल तरीके से, क्योंकि हमारी जो अनफॉर्चुनेटली हमारी जो लाइफ है वो नॉर्मल रखना थोड़ा आसान नहीं होता. एंड हाउ यू नो टू अ लॉट ऑफ पीपल थिंक स्टार्स हैव और सेलिब्रिटीज हैव यू नो आर हाई हेडेड. आई थिंक उसमें अगर आप नॉर्मलसी में किसी के साथ जी सको, काम कर सको ना, उससे बेहतर चीज़ ही नहीं है. एंड दीज आर माई नॉर्मल पीपल. थैंक यू गाइज. Thank you guys. Bye. I think Karan should do that. Karan, yeah. Can we have a selfie with you people? Main first log karta hu. Three, two, one.